चुमक सिंगार का वीडियो वायरल हुआ है। नरसिंह घोटाले मामले में चर्चा का वीडियो वायरल हुआ है। विधायक आतिफ अकील से चर्चा का वीडियो सामने आया है, जिसमें चर्चा में नेता प्रतिपक्ष कहते आए नजर। लोग तो चाहते हैं कि विवाद हो, कहते आए नजर। कल अशोका गार्डन थाने में पदयात्रा का बताया जा रहा वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है कि नरसिंह घोटाले को लेकर लगातार जो कांग्रेस है वो प्रदर्शन कर रही है एनएसयूआई के साथ मिलकर, और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि लोग तो चाहते हैं कि विवाद हो। ये लाइन वो कहते हुए नजर आए हैं, वीडियो में कैद हुए। कल अशोका गार्डन थाने में पदयात्रा का ये वीडियो बताया जा रहा है, और संवाददाता शैलेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एनएसवाई के साथ लगातार विरोध हो रहा है नरसिंह घोटाले को लेकर, और उमंग सिंघार का एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें उनका ये कहना है कि लोग तो चाहते हैं कि विवाद हो। किसका विवाद की बात ही कर रहे हैं, क्या इनका किस तरफ इशारा है ये? देखिए, नरसिंह घोटाले को लेकर कल जब प्रदर्शन हो रहा था तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह, सभी नेता वहां मौजूद थे। उसी समय का ये नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का वीडियो है, जब वो वहां के क्षेत्रीय विधायक आतिफ अकील के कान में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग चाहते हैं विवाद हो। तो ये माना जा रहा है, क्योंकि कल जब दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे को उठाया था कि थाने के अंदर सुंदरकांड क्यों हो रहा है, सुंदरकांड चल रहा है और ये गलत है, इस तरह की मंजूरी नहीं देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये बात जब उठी, और उसी समय जब विधायक कह रहे थे कि थोड़ा मामला ये बढ़ सकता है या इस तरह की कुछ बात हुई होगी, तो निश्चित ही उन्होंने कहा कि लोग तो चाहते ही हैं कि विवाद हो, और इसी बात को बीजेपी तूल दे रही। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट भी किया है कि कांग्रेस का सच सामने आ चुका है और वो चाहते हैं कि सुंदरकांड के नाम पर विवाद खड़ा हो जाए, बड़ा विवाद हो और माहौल खराब हो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की तरफ मोड़ दिया है। और वहीं हम अभी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के घर पर भी मौजूद है, लेकिन अभी फिलहाल वो अभी सामने आ नहीं रहे। इस पूरे मामले में उन्होंने अभी कुछ बात की नहीं है, और निश्चित ही पक्ष कांग्रेस का भी जानेंगे कि आखिर जाहिर सी बात उनसे भी जानेंगे। और इस वक्त हमारे साथ उठना चाहेंगे शैलेंद्र, हमारे साथ बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा जी जुड़ गए। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। उमंग सिंघार का ये वीडियो सामने आ रहा है जिसमें उनका ये कहना है कि लोग तो चाहते हैं कि विवाद हो, कल जो पदयात्रा निकाली जा रही थी इस दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है, पहला रिएक्शन आपका इस पर? तो संपर्क टूट चुका है, हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, काफी विवादित स्थिति भी बनती हुई नजर आ सकती थी, जाहिर सी बात है कि इसमें हंगामा भी हो सकता था, लेकिन इसका खामियाजा किसे उठाना पड़ता है? आम जनता को। अभिनव बरोलिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका। उमंग सिंघार का एक वीडियो है कल पदयात्रा के दौरान का कि लोग तो चाहते हैं कि विवाद हो, कैसे विवाद की बात कह रहे हैं उमंग सिंघार? कहाँ पे कहा है उमंग सिंघार जी ने? कल पूरी जनता के साथ और बच्चों के साथ, जो आने वाले भविष्य है उनके साथ प्रदर्शन किया गया। आपने देखा होगा हजारों कार्यकर्ता, और जिनमें सभी, मतलब आप देखेंगे स्टूडेंट से लेके सभी लोग थे, और वहां पे पहुंचे शांतिपूर्ण तरीके से, सभी लोग पहुंचे एफआईआर करने की मांग करी, और जो वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे वो बीजेपी के लोग कर रहे थे वहां पे, जो भी नारेबाजी कर रहे थे जिस तरीके से। तो ये तो लोकतंत्र में प्रदर्शन करना तो सबका हक बनता है, अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, और उमंग सिंघार जी विधानसभा में भी आवाज उठा रहे थे, आपने देखा होगा बहुत जबरदस्त तरीके से नरसिंह घोटाले को उठाया। तो नरसिंह घोटाले की आवाज अगर हम उठा रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष उठा रहे हैं, जनता उठा रही है, बच्चे उठा रहे हैं, तो आपको भी हमारा समर्थन करना चाहिए कि हाँ, आप एक मजबूत विपक्ष के नाते हमारे विपक्ष के नेता आवाज उठा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनका ये जो वीडियो, ये छोटा सा क्लिप है जो सामने आ रहा है कि लोग तो चाहते हैं कि विवाद हो, इसको लेकर सवाल आपसे किया था। फिलहाल आपको रोकेंगे, हमारे साथ बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा जी भी जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आप कैसे आप देखते हैं ये सामने आ रही है बात कि भाई उमंग सिंघार जो कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की बात कह रहे थे, वो एक दूसरे व्यक्ति से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग तो चाहते हैं कि विवाद हो? उमंग सिंघार इसलिए कह रहे हैं कि जीतू पटवारी और उनके बीच में शह और मात का खेल चल रहा है, गुटबाजी चल रही है। अच्छा, उमंग सिंघार मामले को विधानसभा में उठाते हैं तो जीतू पटवारी सड़क पर उठाते हैं, दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। उमंग सिंघार रीवा चले जाते हैं, जीतू पटवारी के पेट में दर्द उठता है, वो घोषणा कर देते हैं कि भोपाल में हम रिपोर्ट लिखाने जाएंगे।
तो एक दूसरे को निपटाने के लिए कॉम्पिटिशन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो उमंग सिंगर वही कह रहे हैं आतिफ अकील विधायक से कि कुछ लोग चाहते हैं कि विवाद हो, क्योंकि वो जीतू पटवारी के ऊपर ही निशाना साध रहे हैं कि जीतू पटवारी नरसिंह घोटाले का जो ये मामला है, एक्चुअली वास्तविकता यह है कि पूरा मामला कमलनाथ सरकार में हुआ है। इसकी दोषी तत्कालीन चिकित्सा मंत्री विजयलक्ष्मी जाधव है, कमलनाथ जी को निपटाने का खेल चल रहा है, एक दूसरे को निपटाने का खेल चल रहा है। तो वो उसी का उल्लेख उमंग सिंगार कर रहे हैं कि लोग तो चाहते हैं विवाद हो, क्योंकि ये कोई घोटाला नहीं है, कांग्रेस सरकार का घोटाला है ये। अब इसमें जीतू पटवारी और उमंग सिंगार में कॉम्पिटिशन चल रही है कि कौन कमलनाथ को ज्यादा निपटाएगा, कौन बचाएगा, तो सारा खेल उस लड़ाई का, उसी का जिक्र उमंग सिंगार कर रहे हैं। अच्छा, ये बात आपको अच्छे से पता है, लेकिन ये बात अभिनव जी को नहीं पता। अभिनव जी, गजब बात है नरेंद्र सलूजा जी, मैं जानता हूं इनको बहुत अच्छे से, दो दो सेकंड के, चार चार सेकंड के वीडियो कट करके, छह सेकंड के वीडियो जो छोटे छोटे होते हैं, ये कटिंग एडिटिंग करना है ये बहुत अच्छे से आती है सलूजा जी को, और ये पूरा प्रदेश जानता है, पूरे पत्रकार जानते हैं। तो ये इन सब बातों में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, सलूजा जी अपना काम करते रहे, पार्टी में है, पार्टी का बचाव जरूर करेंगे, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। नरसिंह घोटाले की आवाज ना सलूजा जी दबा पाएंगे, ना कोई भी दबा पाएगा। नरसिंह घोटाला जो है वो बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाला, और विश्वास सारंगी एफआईआर की मांग करने के लिए सभी नेता साथ गए थे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इनका काम सिर्फ कंट्रोवर्सी फैलाना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कि कुछ ना कुछ दिखता रहे और मीडिया में चमकते रहे।